बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईद की शाम तज़किरा खैरुल अनाम। मैं अपनी जानिब से और इस्लामिक स्टूडियो की जानिब से तमाम हाज़रीन व नाज़रीन को ईद की खुशियाँ मुबारक। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हबीब सुल्तान मदनी साहिब, साहिबजादा मोहम्मद कासिम नक्शबंदी साहिब, हाफिज़ उमर शहजाद साहिब, हाफिज़ मोहम्मद जबरान साहिब, हाफिज़ मोहम्मद हसनैन मैरवी साहिब, खालिद बशीर साहिब, मोहम्मद शारिफ और हाफिज़ बरादरान। आज का ये खूबसूरत पैगाम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ तआवुन किया है अनमोल मूवीज़ और इस्लामिक स्टूडियो ने। इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला की पाक किताब से करते हैं। बदले का ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, कोले मोहम्मद कोले खुदा फरमान न बदला जाएगा। अल्लाह के पाक कुरान की तिलावत के लिए मैं गुज़ारिश करूँगा मोहतरमुल मकाम जनाब हाफिज़ मोहम्मद हसनैन मैरवी साहिब से कि वह अल्लाह के पाक कुरान की तिलावत से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله अल्लाह। बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में हाफिज़ मोहम्मद हसनैन मैरवी साहिब अल्लाह के पाक कुरान की तिलावत से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। ज़मीन से आसमां तक है, आसमां से लामकां तक, ज़मीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। कहाँ खोले थे गैसु यार ने और खुशबू कहाँ तक है। अब मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में अपनी अकीदतों मोहब्बतों उल्फतों चाहतों का खिराज पेश करने के लिए गुजारिश करूँगा मोहतरमुल मकाम मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद जबरान साहिब से कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदतों के फूल बिछावर फरमाएँ। बहुत शुक्रिया जी। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ़ से तमाम आलम इस्लाम को ईद कुर्बान की बहुत बहुत मुबारक हो और मैं दुआ करूँगा अल्लाह करीम जिन खसूसन हज़ारों फर्जंदान इस्लाम ने हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल की है अल्लाह ताला उनके हज को अपनी बरगाह में कबूल मंजूर फरमाए और आने वाले साल में हम गुनाहगारों को भी अपना और अपने महबूब के दर का और अपने दयार का गुलाम बनाए और हमारी भी हाज़िरी हो जाए। मैं पेश करता हूँ आला हज़रत का लिखा हुआ बड़ा ही खूबसूरत कलाम, क्योंकि आशिकों की ईद तो हुजूर के ज़िक्र के बगैर नामुकम्मल है और हमारी ईद और हमारे दिल किस सबान की तर्जमानी करते हैं। आला हज़रत का कलाम पेश करता हूँ, खसूसन मेरे बड़े प्यारे अहबाब हैं दुबई में हाजी मंजूर हुसैन करीमी साहब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हिदायत रसूल साहब और हमारा एक मदनी गुलदस्ता है, आपकी मोहब्बतें हैं तो आपने स्पेशल कहा था वही कलाम पेश करता हूँ। तो आइए मेरे साथ मिलकर जो जो अहबाब मुझे देख रहे हैं
जहाँ भी देख रहे हैं मोहब्बत के साथ अपने आका मौला की बारगाह में गुरुदेव पाक पढ़ लीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैक या हबीब अल्लाह। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। और सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर दवा न करे, ईसा अगर दवा न करे। और ज़ौफ माना मगर ये ज़ालिम दिल, ज़ौफ माना मगर ये ज़ालिम दिल, उनके रस्ते में तो थका न करे, उनके रस्ते में तो थका न करे। और दिल कहाँ ले चला हरम से मुझे, दिल कहाँ ले चला हरम से मुझे, अरे तेरा बुरा खुदा न करे, अरे तेरा बुरा खुदा न करे। दिल में रोशन है शम्मे इश्के हुजूर, दिल में रोशन है शम्मे इश्के हुजूर, दिल में रोशन है शम्मे इश्के हुजूर, काश जोशे हवस हवा न करे, काश जोशे हवस हवा न करे। और ये वही हैं जो बख्श देते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं, फिर कौन अपने जुर्मों पे सदा न करे, कौन इन जुर्मों पे सदा न करे। इसमें रोजे का सजदा हो या तवाफ, इसमें रोजे का सजदा हो या तवाफ, अरे होश में जो ना हो वो क्या न करे, होश में जो ना हो वो
क्या न करे ले रजा सब चले मदीने को मदीने को ले रजा सब चले मदीने को मैं न जाऊं अरे खुदा न करे मैं न जाऊं अरे खुदा न करे दिल को उनसे खुदा जुदा न करे। माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ कमाल अंदाज बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हदीए अकीदत पेश फरमा रहे थे हाफिज़ अहमद साहिब। फितरत का एक असूल है कि जब इंसान की पैदाइश होती है विलादत होती है तो उसके बाद उसके तज़किरे शुरू होते हैं, लोग उसे जानना पहचानना शुरू करते हैं। उससे पहले उसके बारे में ना कोई जानता होता है ना उसे पहचानता होता है ना उसका कोई तज़किरा होता है। लेकिन इस कायनात में एक ऐसी हस्ती भी है कि जिनके आने से पहले उनके तज़किरे थे, जिनके आने से पहले उनका ज़िक्र खैर जारी था। तो मैं आज के हमारे मेहमान अल्लामा मुफ्ती हबीब साहिब से गुजारिश करूंगा कि वो हस्ती जिनका तज़किरा उनके आने से पहले भी जारी और सारी था उनके बारे में हमें कुछ मालूमात से आगा और आशना करें कि किस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे पहले से शुरू थे और किस तरह कायनात में आपका तज़किरा पहले से जारी और सारी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत ही इज़्ज़तों के लायक वो लोग जो आज हमें इन ईद की पुरौनक बहारों के अंदर अपना वक्त रियायत कर रहे हैं, तमाम हाज़रीन व सामीन को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद हो। अल्लाह तबारक व ताला जिन लोगों ने आज अपनी कुर्बानियाँ की हैं या रब करीम अज़्ज़ा व जल्ला के हुजूर कुछ नेकियाँ कमाई हैं, अल्लाह उन तमाम की नेकियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको ज़िंदगी की रौनकें अता करके दुनिया और आखरत की खुशियाँ अता फरमाए। ये नहायत ही अच्छी काविश है हमारे हाफिज़ बिरादरान की जो इस्लामिक स्टूडियो के तहत हमारा ये सिलसिला जारी है। अल्लाह तबारक व ताला मज़ीद इनको इसी तरह के अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आपने मुजतबा भाई फरमाया जो क्योंकि हमारी बसम भी यही है कि ईद की शाम तज़किरा खैर अनाम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम नहायत ही अच्छा चुनाव है, नहायत ही नफीस अंदाज है कि आज अपनी खुशियों के अंदर उस ज़ात का तज़किरा खैर किया जाए जिनके सदक़े में खुशियाँ बनी हैं। ये अपने मोहसिन को हल जज़ा उल एहसान इल्ला एहसान के तहत लिखा गया, एहसान का बदला क्या है सिवाय एहसान के, और बंदा कुछ नहीं कर सकता अपने मोहसिन का तज़किरा खैर कर लिया जाए तो वो मोहसिन कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि जिनके सदक़े के अंदर रब्बी करीम अज़्ज़ा व जल्ला ने ये कायनात की रौनकें बनाई हैं, कायनात के अंदर रब ने खुशियाँ बांटी हैं, बल्कि वो तो दुखों का भी मदावा रखते हैं, जो गम के मारे हैं उनको अभी आसरा और सहारा है। इसलिए उनका तज़किरा इस अच्छी नीयत से भी करेंगे वो लोग जो किसी तरह भी माली असबाब ना होने की वजह से ईद की रौनकों से जो ज़ाहरी रौनकें हैं उनसे लुत्फ़ानंदोज़ ना हो सकें तो ये तज़किरा खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये तज़किरा उनके दिलों को भी जिला बख्शेगा। जाने कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वो ज़ात हैं कि जिनका तज़किरा आलम अरवाह के अंदर ही किया गया है। मवाहिब के अंदर इमाम कसालानी अलैहिर्रहमा ने बड़ी प्यारी बात नकल की है, फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने आलम अरवाह के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ये बात मौजूद है कि रब करीम अज़्ज़ा व जल्ला ने आलम अरवाह के अंदर तमाम रूहों से मीसाक लिया है, क्योंकि मीसाक कहीं आलम अरवाह के अंदर है कहीं आलम अरवाह के अंदर अंबिया से है और उसके बाद कुछ अहले किताब से भी है। तो जब अल्लाह ताला ने आलम अरवाह के अंदर ये मीसाक लिया गया
कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो जवाब में मिला कि बला हाँ क्यों नहीं। तो रब करीम अज़्ज़ा व जल्ला ने उस वक्त तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलात व तस्लीम की जो अरवाह थी उनको इकट्ठा किया। उनके अंदर जब सब को इकट्ठा किया तो रब करीम अज़्ज़ा व जल्ला ने नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर पाक को किया। जब वो नूर सामने आया तो उस नूर से हर तरफ चमक हो गई। अम्बिया कराम अली मुस्तसलात व तस्लीम ने अर्ज़ की, या रब करीम अज़्ज़ा व जल्ला, ये नूर कौन सा जिसने इतनी रौनकें बखेर दी हैं? तो रब करीम अज़्ज़ा व जल्ला ने उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये नूर मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर रब करीम अज़्ज़ा व जल्ला ने तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलात व सलाम को हुज़ूर अलैहिस्सलात व सलाम पर ईमान लाने के मुतल्लिक अहद लिया कि अगर जब ये नबी बनकर आए तो तुमने इनकी नबुव्वत का इकरार करना है। और वो मीसाक इमाम कसलानी लिखा कि जो कुरान पाक के अंदर है, वेद अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबीशीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा थुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। फरमाया ये मीसाक उस वक्त था जो नूर मुहम्मदी के अंदर यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तज़किरा आलम अरवाह के अंदर भी किया गया है। ये वो था कि जो अम्बिया कराम के मुतल्लिक रब तआला ने खुद आलम अरवाह के अंदर किया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया के अंदर तशरीफ़ लेकर आए, जब आपसे दुनिया को रौनकें मिली, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, वो एक आजमाइश थी और लग्ज़िश की वजह से आपने रब की हुज़ूर जब रब की रज़ा चाहने के लिए इस्तिग़फ़ार की, तो उस वक्त हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला की बड़ी मशहूर रिवायत है जो आप नकल करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की है, रब करीम अज़्ज़ा व जल्ला, इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ मुहम्मद, ए रब करीम अज़्ज़ा व जल्ला, मैं तुझसे सवाल करता हूँ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है उसके वसीले से। रब करीम अज़्ज़ा व जल्ला ने उस वक्त हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ए आदम, तुझे ये कैसे मालूम हुआ कि तूने इनके वसीले से जो है ना ये बख्शिश तलब की? क्योंकि आपने उनके वसीले से सवाल किया कि मालिक जो मुझसे ख़ता हो गई इससे मुझे बख्शिश फरमा दे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बड़ा प्यारा जवाब फरमाया, आप ये अर्ज़ करने लगे, रब करीम अज़्ज़ा व जल्ला, जब तूने मुझे पैदा किया, तूने अपनी रूह मेरे अंदर फूंकी, मैंने अपना जब सर उठाया तो अर्श के पायों पर मैंने देखा कि तेरे नाम के साथ ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी है। अब ये बात कहने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, रब करीम अज़्ज़ा व जल्ला, फ़अलिमतु इन्नका लम तुदिफ इला इस्मे का, मैंने ये बात जान ली कि बेशक तू अपने इस्म के साथ किसी और का नाम नहीं रखता, इल्ला अहब्बा इलैक, सिवाय उसी ज़ात का जो तुझे बहुत महबूब तरीन है। अब ये एक तो थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लफ्ज़, यानी एक उनकी अपनी सोच थी। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ये लफ्ज़ कह रहे थे तो रब करीम अज़्ज़ा व जल्ला ने ये नहीं फरमाया कि आदम ये जो तूने ये सोचा है ये तुम्हारी अपनी एक सोच के मुताबिक है, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया सदकता या आदम, ऐ आदम तूने सच कहा है, ये बात जो तूने कही है बात बिल्कुल सच्ची है, तुम्हारी अपनी ज़ाती राय इस मामले के अंदर ये नहीं है। फिर आगे रब करीम अज़्ज़ा व जल्ला ने ये बात भी फरमाई कि ऐ आदम बेशक तूने इनके वसीले से जो सवाल किया है ये कायनात के अंदर सबसे मुझे महबूब हैं, और जो भी तू इनके वसीले से मांगेगा मैं तुम्हें अता कर दूँगा। तो ये वो तज़किरा था जो आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त किया कि जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आए और अभी कोई मखलूक आबाद नहीं हुई तो तज़किरा खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया जगमगा उठी। फिर जब बेटे को वसीयत की, हम जैसों के लिए बड़ी तरबियत की बात, जब बेटे को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आपने तरबियत की वसीयत करते चले, तो उस वक्त भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यारी वसीयत की जो तरबियत की है, और हमारे लिए तरबियत औलाद के लिए बहुत प्यारी एक नसीहत है कि औलाद की तरबियत के ज़िमन के अंदर करनी चाहिए। ईद का मौका है, इस खुशी के मौके पर ये साथ में अर्ज़ करता चलूँ कि देखें ये जो आगे मैं चीज़ अर्ज़ करने लगा हूँ ये एक पैगाम है कि औलाद को दुनिया की भी खुशी अता करें, लेकिन खुशियाँ तब मिलेंगी जब इनके दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागुज़ी होगी।
तो कायनात की हर चीज़ दें, लेकिन उससे पहले इनके दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत भी डाल दें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो बेटे थे उनकी तरबियत ये की और फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, जब जब तुमने अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेना है तो साथ साथ ही प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करना है। अब यहाँ जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ थे ना, जो इबारत नकल की गई है कुतुब के अंदर, वो ये है कि कुल्ला मा ज़करत अल्लाह। अब कुल्ला मा जो है ना, ये होता है कि जब जब इस्तमरार है कि ज़िंदगी के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नामे नामी जब भी रब का नाम लेना है उससे जुदा नहीं करना, ये नाम साथ ही मिलाकर करना है। ये नाम कोई अलग चीज़ नहीं होगी, ये ना हो कहीं जिक्र खुदा करते करते जिक्र मुस्तफ़ा से दूर ना हो जाओ। तो ये जिक्र खुदा भी हो और साथ साथ जिक्र मुस्तफ़ा भी हो। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने ये बात बताई कि जब मैं दुनिया के अंदर आया, जब मेरी रूह फूंकी गई, सबसे पहले जो जहाँ मैंने देखा तो रब्बे करीम अज़्ज़ा व जल्ला के नामे नामी के साथ इनका नाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम था। जब मेरी रूह ने गर्दिश की और जन्नत के तमाम पत्तों पर देखा तब भी इनका ही नाम नामी था। तो ये वो तज़करा था जो उस वक्त भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सिखाया है। हम जब गौर करते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ भी मौजूद है, जो रब्बे करीम अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में दुआ की थी कि मालिक हमें मुझे वो बेटा अता कर मेरी नस्ल के अंदर जो दुनिया को हक का पैगाम बताए, उनको सुथरा कर दे, दीन की बातें बताए, किताब सिखाए, हिकमत सिखाए। ये भी एक तज़करा था। ईसा अलैहिस्सलाम का इसी तरह सूरह सफ़ के अंदर जिक्र है कि जब वो भी दुनिया के अंदर आए तो उन्होंने भी बशारत दी कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बशारत देने आया। तो यहाँ एक अर्ज़ ये करनी थी कि देखें मुख्तसरन हर दौर के अंदर जो आज हमने ये बज़्म सजाई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वो तज़करा है जो तज़करा हर दौर के अंदर कायनात को अपनी बरकतें लुटाता रहा है। तो हमें आज के दिन को ईद का दिन है तो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर जहाँ और सारी खुशियाँ कर रहे हैं और लवाजमात इख्तियार की हैं, तो एक ये भी हो कि चलते फिरते तज़करा खैरुल अनाम यूँ होगा कि हम दुरूद पाक का कसरत करते रहें, उसका विर्द करते रहें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल यूँ हमारा ये ज़िक्र खैर भी जारी होता रहेगा। माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में तज़कर खैरुल अनाम से हमें आगाह कर रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हबीब सुल्तान अतारी मदनी साहब, और वो अपनी गुफ्तगू से हमें ये बात वाज़ह कर रहे थे कि रोज़े अज़ल से लेकर रोज़े अबद तक ज़िक्र मुस्तफ़ा जारी रहेगा। और वो ये कह रहे थे कि जहाँ जहाँ ज़िक्र खुदा होगा वहाँ वहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होगा। जोश मिलियावादी एक बहुत बड़ा शायर था, तो वो नशे में तो बैठा हुआ था, उसके आसपास उसके प्यार करने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हुए थे। तो वो चूँकि नशे की हालत में था तो उससे किसी ने पूछा कि आपका जो है ना गालिब के बारे में क्या गुमान है, यानी गालिब शायर जो था उसके बारे में उसने पूछा कि उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो नशे में था उसने कहा वो सामने मेरी जुराबें पड़ी हैं उन्हें झाड़ो तो उससे जो है ना गालिब बन जाएगा। खैर कुछ शुरा के बारे में और भी सवाल किया गया तो उसने इसी तरह हकारत के जुमले बोले, तो वहाँ पर एक दुश्मन इस्लाम और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखने वाला, बगावत रखने वाला शख्स भी बैठा था। उसने देखा कि इतना बड़ा शायर है, मौका है, आज नशे में है, तो चलो इससे मैं जो है ना हुज़ूर के बारे में कोई बात पूछता हूँ तो ये यकीनन इस हालत में नाज़ेबा जुमले कहेगा। तो जब उस शख्स ने जो है ना उस जोश मिलियाबादी शायर से पूछा कि आपका मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख्याल है, तो वो जोश मिलियाबादी जो है उसने हाथ में शराब की बोतल पकड़ रखी थी, वही उस शख्स के मुंह में मारी और कहा जालिम एक ही आसरा है वो भी छीनना चाहता है, यही सारा है, तू क्या समझता है मैं नशे में हूँ। कहा मैं शराबी ज़रूर हूँ लेकिन रसूलुल्लाह का गुस्ताख नहीं हूँ। तो हम तज़किरा खैरुल अनाम में आगे चलते हैं और अपने मेहमान साहबज़ादा मोहम्मद कासिम नक्शबंदी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो मोहब्बत रसूल और उसके तकाजे इनके हवाले से हमें कुछ मालूम फराम करूँगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। बहुत शुक्रिया मुतवा भाई, आपने ये सवाल भी बहुत अच्छा किए है और मैं आज अपने तमाम देखने वाले और सुनने वाले
यकीनन आप सारे खुशियों में होंगे क्योंकि ईद का दिन है और आपने यकीनन साहिब इस्तेआत लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए जानवर भी कुर्बान किए होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी सआदत है कि आज इस खुशी के लम्हे में और खुशियों की घड़ियों में अल्लाह ताला ने हमें ये सआदत नसीब फरमाई है कि हम उनका ज़िक्र कर रहे हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें खुशियाँ अता फरमाई है। तो इस हवाले से मुज्तबा भाई ने जो सवाल किया है मोहब्बत रसूल के मुतालिक है। मोहब्बत रसूल ही हमारी असास है, हमारी ज़िंदगी है, हमारी रूह है मोहब्बत रसूल। तो ये हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों में पैदा फरमाया। मोहब्बत के कुछ तकाज़े होते हैं। हमारा जो फितरती लिहाज से हम किस चीज़ से मोहब्बत करते हैं वो हुस्न की वजह से करते हैं, यानी कोई चीज़ अच्छी लगे, खूबसूरत हो, प्यारी हो तो हम उससे मोहब्बत करते हैं। तो आए पहले इसी साइड पे चलते हैं कि हसीन चीज़ों से प्यार किया जाता है, मोहब्बत की जाती है। अगर इस तकाज़े से आज माशाल्लाह हमारी खुश नसीबी है कि हमारे मेहमान भी हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती हबीब सुल्तान साहेब और हाफिज़ मोहम्मद जबरान सफ़दर साहेब, भाई उमर शहज़ाद हसन साहेब, तो ये मोहब्बत का जो तकाज़ा है वो ये है कि हसीन चीज़ों से, खूबसूरत चीज़ों से, प्यारी चीज़ों से मोहब्बत की जाए। अगर इस तकाज़े से देखा जाए, इस लिहाज से देखा जाए, तो सबसे प्यारी, सबसे हसीन सूरत अल्लाह करीम ने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। तो इस लिहाज से हम सबको, यानी मुसलमानों को, कलमा पढ़ने वालों को हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से प्यार होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा हसीन, सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा हुस्न का पैकर अल्लाह करीम ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना के भेजा है। तो आया इस लिहाज से मैं एक आध बात आपके साथ शेयर करने की सआदत हासिल करता हूँ कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसीन तो थे ही, हुस्न तो आपसे टपकता ही था, लेकिन जितने लोग, जितनी चीज़ें आपके साथ ताल्लुक़ रखती थीं, अल्लाह ताला ने अपने महबूब के हुस्न की वजह से उनको भी हुस्न के ये जलवे अता फरमाए। ज़ाहरी तौर पे कोई खूबसूरत था और उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी इख्तियार की तो वो दुनिया का गलीज़ तरीन शख्स हो गया, और अगर रंग का काला था लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी नस्बत जोड़ी, तअल्लुक कायम किया, तो अल्लाह करीम ने उनको हुस्न अता फरमा दिया। तो इस लिहाज से ये पहला तकाजा था कि मोहब्बत किस से की जाए, हसीन चीज़ों से, प्यारी चीज़ों से, खूबसूरत चीज़ों से। तो इस तकाजे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत के हकदार हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हैं। उसने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात की जाए तो आज़म चिश्ती साहिब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपनी मोहब्बतों का इज़हार किया था कि तू हजे मेरा यार नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, अती राती दिन चढ़ जावे, जे वो रुख तो नकाब हटावे, जे वो निकले सैर करन नू, सारा गुलशन सीस नवावे, अते धरती लिफ लिफ जावे, जे हथ फुलां विच रखदा, हथ फुलां तो वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले, विच सोना कजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया जाके, जिमें मैं खाना खुल जावे, तोबा तोबा हुसन सजण दा, चाल न चली जावे, बिजली डरदी लिश्क न मारे, मता बेअदबी हो जावे, जे ओ खोले पेच जुलफ दे, जे राही राह भुल जावे, कल खुदा ने इन्नी दिती, इल्मा विच ना आवे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता, अकलां विच ना आवे, की ए जाज नज़र विच ओदी, जो आवे विक जावे, खुल को देने मोले दुनिया, कोई विरलाई जान बचावे, आजम एडा सोना माई, सानू किधरे नज़र ना आवे, आजम एडा सोना माई, सानू किधरे नज़र ना आवे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की हसीन तरीन शख्सियत है, आपसे बढ़कर
कोई इस कायनात में हसीन नहीं आया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, सामने सहाबा का जुर्मट था। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा जब बच्चा पैदा होता है तो पता है वो क्यों चीखता है? तो वो सहाबा ने अर्ज़ की कि हुजूर हमें इस बात का इल्म नहीं है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक हमजाद शैतान होता है जो उसकी बाईं पसलियों को छेड़ता है तो बच्चा रोता है। तो कायनात वालों को, उसके रिश्तेदारों को ये पता चल जाता है कि इसे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे दी है। तो सहाबा ने अर्ज़ की, हया की दीवारें खड़ी करते हुए, मोहब्बत और अदब के दायरे में रहते हुए अर्ज़ की कि हुजूर क्या वो हमजाद शैतान आपके साथ भी था? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ सहाबा वो मेरे साथ भी था। सहाबा ने फिर अर्ज़ की हुजूर क्या उसने आपको भी छेड़ा था? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा वो मुझे क्या छेड़ता, वो तो मेरा चेहरा देख के मुसलमान हो गया। तो मेरे नबी का हुस्न ऐसा था कि हमजाद शैतान भी अगर देखता है तो वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। तो अभी हम हुस्न मुस्तफ़ा, आज क्योंकि ईद की खुशियों का मौका है तो खुशी के मौके में हुस्न मुस्तफ़ा का तज़किरा अगर किया जाए तो इससे बढ़ के कोई और बात ही नहीं है। तो मैं आज के हमारे मेहमान मुफ्ती हबीब सुल्तान साहिब से गुजारिश करूंगा कि हुस्न मुस्तफ़ा के हवाले से हमारे नाज़रीन को कोई खूबसूरत सा पैगाम दे दें। मुतबा भाई आप माशाल्लाह फरमा रहे थे कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न देखकर हमजाद मुसलमान हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। ये पहले यहूदियों के भी आलिम थे, अखबार यहूद में इनका शुमार होता था। ये भी जो ईमान लेकर आए तो ये भी हुस्न मुस्तफ़ा के अंदर गिरफ़्तार हो गए थे और इन्होंने भी जब चेहरे व दुहा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का देखा तो ये पुकार उठे कि अन्ना वजहु लैसा बिवजही कज़ाब, कि बेशक जो आपका मुखड़ा है ये किसी झूठे का हो ही नहीं सकता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का वाकई हुसन ऐसा था कि जिसने ये देखा है वो हुजूर अलैहिस्सलाम को हुसन देख कर कायनात की तमाम चीज़ों को भूल गया है। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन्नास वजहम व अहसनहुम खुलकन। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी थे और आपके अखलाक भी सबसे हसीन तरीन थे। यानी चाहे खलकत देखें, चाहे हुजूर अलैहिस्सलाम का जो है खुल्क देखें, हर लिहाज से अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़तों से सरफराज फरमाया था। मौला अली रदी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं कि लम अरा कबलहु वला बादहु मिसलहु, कि मैंने तो हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा ना पहले देखा ना बाद के अंदर देखा। ये सहाबा कराम अली मरदवान अजमईन की एक हुजूर अलैहिस्सलाम से कमाल मोहब्बत है और हर एक ने जिस अंदाज़ के अंदर, क्योंकि एक मोहब्बत का अंदाज़ होता है, देखने वाले देखते हैं, जिसके पास जो लफ्ज़ मोहब्बत के बनते हैं वो अपनी मोहब्बत के लफ्ज़ों में ताबीर कर देता है। जिस तरह के हज़रत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा आप जो फरमाते हैं कि बड़े खूबसूरत थे, तो क्या तलवार की मानिंद चमकदार था? क्योंकि अरब थे, तलवारों से प्यार था, तलवारें भी बड़ी चमकदार होती थी। तो साहिल ने समझा शायद जिस तरह तलवार की चमक होती है ऐसा था। तो आपने जवाब देते हुए फरमाया कि नहीं, ला बल कान शम्सो तजरी फी वजह, ऐसा नहीं तलवार की तरह नहीं है, क्योंकि जब महबूब के चेहरे को तशबीह देनी है तो किसी आला चीज़ से दी जाए। फरमाया हुजूर का चेहरा तो ऐसे लगता था जैसे सूरज आपके चेहरे पर चल रहा है, इतना हुसन है, इतनी अदा है। और फिर हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी शरीफ के अंदर मशहूर रिवायत है, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़े वफ़ात के अंदर आपने अपने वद्दुहा का मुखड़ा दिखाया बार अपने हुजरे मुबारका से कि मेरे सहाबा कैसे नमाज अदा कर रहे हैं, तो हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु उस हदीस पाक के आखिर में जो उनके लफ्ज़ हैं वो फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को हमने नमाज की हालत के अंदर ही हम मुतवज्जे हो गए कि हुजूर का चेहरा है ये पहले देख लें। और देखा कैसे? फरमाया इतने खूबसूरत अंदाज से देखा, हुजूर का चेहरा ऐसा चमक रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे हुजूर का चेहरा कुरान के वर्क हो। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला के लफ्ज़ मौजूद हैं, गोया के कुरान पाक के वर्क हैं। और फरमाते हैं हमें तो यूँ लगा कि हुजूर को देखते देखते अपनी नमाज भूल जाएंगे, मतलब ऐसे गुम हो गए हुजूर की मोहब्बत के अंदर।
कर रब की इबादत रहे, नमाज जैसी इबादत कर रहे हों वो भी कर साबा रहे हों, जिन्होंने सुफा के चबूतरे पर बैठ कर तरबियत मुस्तफ़ी से जो है ना ये फैज़ान हासिल किया हो इबादत का। लेकिन उन्होंने बताया कि इबादत भी कामिली तब होती है कि जब जो है ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो जाए। तो ये वो सहाबे कराम अली मुर्दवान अजमईन की वो अदाएँ थीं, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुसन के मुतालिक था। वो जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बड़े प्यारी साहबी हैं हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का चेहरा जब मैंने देखा मुझे यूँ लगा कि जिस तरह सोने का टुकड़ा चमक रहा हुज़ूर का चेहरा ऐसा, क्योंकि सोना एक जर्दी माइल है, गोल्डन हम कहते हैं इसलिए कि चमक रखता है और दिलों को भा जाता है। फरमाते हैं कि हुज़ूर का चेहरा भी इसी का तरह का था। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अली रहमतुल मन्नान फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान नक्शे जहाँ नहीं, वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान नक्शे जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है कि दुआ नहीं। ये है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न। माशाल्लाह मुफ्ती हबीब सुल्तान साहिब हुजूर के हुस्न का तस्करा छेड़े हुए थे। आज के हमारे इस प्रोग्राम का सबब बने मलिक खालिद बशीर साहिब, उनकी नज़र ये पंजाबी का एक शेर कर रहा हूँ कि कद काट सोहना ते बंतर बनावट, कद काट सोहना ते बंतर बनावट, होई ख़त्म सोहने ते सारी सजावट, हसीना जमीलां दा मुँह मोड़ देता रब मोहम्मद बढ़ा के कलम तोड़। बेहुस्न की क्या हो गई आपसे ज़्यादा हसीन कोई होगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात वापस तशरीफ़ लाए तो सहाबा को फरमाया कि सहाबा मेरे छोटे भाई यूसुफ़ का जो हुस्न था वो आधा हुस्न हज़रत यूसुफ़ को दिया गया और आधा हुस्न जो है वो कायनात बाकी कायनात की सारी चीज़ों में बाँट दिया गया। अब सहाबा जो है इस सोच में पड़ गए कि अगर आधा हुस्न हज़रत यूसुफ़ को दे दिया गया और आधा हुस्न कायनात वालों को बांट दिया गया तो फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के बारे में जो है ना हम क्या ख्याल रखेंगे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के बारे में ये अल्लामा मुहक्कक साहिब रहमतुल्लाह अलैह आपने इस बात को दूर कर दिया। वो कहते हैं कि जिसके पास पूरा होता है वो आधा देख सकता है और आधे का अंदाज़ा लगा सकता है कि इसका जो है ना आधा था। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल हुस्न अता फरमाया गया था, यानी जो आधा हज़रत यूसुफ़ को दिया गया और आधा कायनात में बांटा गया वो आधा आधा जब पूरा किया जाता है तो ये सारा हुस्न मिला के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर को दिया गया। तो इस हवाले से हुस्न के हवाले से तो काफ़ी बातचीत हो गई। मैं कासिम साहिब से गुजारिश करूँगा कि मोहब्बत के कुछ तकाजे और भी हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं, तो इस लिहाज से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती शख्सियत के बारे में आप कुछ बातें जो है ना हमारे नाज़रीन को पहुंचा दें। माशाल्लाह ईद की शाम तज़किरा खैरुल अनाम, जब हबीब भाई हुस्न मुस्तफ़ा का तज़किरा कर रहे थे तो दिल ऐसे मचल रहा था कि बस बंदा सुनता रहे और ये भी दिल कर रहा है कि हुस्न मुस्तफ़ा का ही जो ये ज़िक्र है इसी को ही हम छेड़ के रखें और इसी में बैठे रहें। हमें तो बस वो यूँ लगा जैसे ईद हमारी है ही यही कि हम ज़िक्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। तो हुस्न से ये बात छिड़ी थी, मैंने अर्ज़ की है कि मोहब्बत के तकाज़ों में से मोहब्बत का एक तकाज़ा ये है कि लोग हसीन चीज़ों से प्यार करते हैं और पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा हसीन अल्लाह ताला ने अपने महबूब को पैदा फरमाया। अब इसी को थोड़ा और आगे चलाएं तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतने हुस्न से नवाजा था कि हम जी भर के ऐसे देख ही नहीं सकते थे। आप फरमाते हम ऐसे उंगलियां अपनी आंखों पर रख के जैसे सूरज को हम देखते हैं तो सूरज ने तो रोशनी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ली है, जब सूरज की तरफ नहीं देख सकते तो असल जहां से सूरज ने रोशनी ली है भला उनके चेहरे को बंदा जी भर के कैसे देख सकता है। आप ऐसे आप फरमाते हैं कि हम उंगलियाँ ऐसे अपनी आँखों पर रख के चेहरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं। और अगर इसको समेटा जाए तो मैं यूँ कहूँगा कि अगर ये जो हुस्न है इसको बखेर दिया जाए
तो ये पूरी कायनात बनती है, और अगर इसको इकट्ठा कर दिया जाए तो ये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर, यानी ये इकट्ठा किया जाए तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी, इसको बखेरा जाए तो पूरी कायनात, इकट्ठा किया जाए तो ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो तकाजे और मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आपने ये सवाल कर दिया कि माशरे में और कौन से मोहब्बत के तकाजे हैं। तो दूसरा तकाजा ये हमारे माशरे में इससे भी ज़्यादा पाया जाता है, वो ये है कि जिस बंदे के पास माल और दौलत ज़्यादा हो, अमीर ज़्यादा हो, तो उससे लोग मोहब्बत करते हैं कि इसके साथ मैं बैठूं ज़्यादा, इसके साथ मेरी गपशप ज़्यादा हो, ताकि मेरा भी लोगों को पता चले कि इसका भी स्टेटस है, इसकी भी बड़ी पहुँच है, इसके भी हाथ बड़े हैं। तो बड़े लोगों के पास बैठना ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आओ अगर इस तकाजे से देखें कि सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा मालदार कौन है, तो इस तकाजे से भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा मालदार अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा फरमाया। अब आप सोच रहे होंगे भाई आप तो पता नहीं तीन तीन दिन, हफ्ता हफ्ता, बल्कि इससे भी ज़ायद फाके में आप दिन बसर करते, तो आपने ये क्या कह दिया कि अमीर तरीन और मालदार। तो मैं ये कुरान करीम की आय करीमा आपके सामने रखने की सआदत हासिल करता हूँ। व अमसा फ़ला तनहर, ए महबूब अपने दरवाजे से किसी को खाली वापस नहीं लौटाना, किसी को झिड़कना नहीं। तो इसका क्या मतलब है, जब किसी के पास हो ही कुछ नहीं तो फिर वो झिड़केगा ही सही या खाली वापस लौटाएगा। अब ये उसी को हुक्म दिया जा रहा है या उसी को ये आर्डर जारी किया जा रहा है कि अपने दरवाजे से खाली नहीं लौटाना। मतलब ये है कि सारे कायनात के ख़जानों की चाबियां अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई, और गोया यूँ फरमाया कि महबूब अगर आपके दरवाजे से कोई दुनिया लेने के लिए आए तो उसे दुनिया दे दें, कोई दीन लेने के लिए आए उसे दीन दे दें, और अगर कोई जन्नत का सवाल ही आ जाए, जन्नत का कहे कि मुझे जन्नत चाहिए, तो महबूब खाली उसे भी वापस नहीं लौटाना, उसे जन्नत अता फरमा देनी। तो इस तकाजे से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा मालदार अल्लाह करीम ने अपने यार को पैदा फरमाया। और ये तीसरा तकाजा मैं इसको मुख्तसर करता हूँ, क्योंकि मौसम की ये जो गर्मी की शिद्दत है, ये भी आप लोग भी मतलब है वो ईद की खुशियाँ और फिर कुर्बानी और फिर गोश्त और बहुत सारे मराहिल से गुजर के आप ये हमारे साथ शामिल हैं, तो बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको बरकात नसीब फरमाए। जो आखिरी मरहला है ये है कि किसी का अखलाक अच्छा हो, किसी का बोल चाल, किसी की ज़ुबान अच्छी काम करती हो। मसलन कोई दुकानदार हो तो उसके गाहक जो हैं वो ज़्यादा होंगे, तो लोगों से अगर पूछा जाए भाई ये इस दुकान पे आप क्यों जाते हैं, तो वो कहेंगे महंगा है लेकिन ज़ुबान अच्छी इस्तेमाल करता है, लफ्ज़ बड़े अच्छे हैं, ये बड़ी तमीज़ से और बड़े अदब के दायरे में रह के ये गुफ्तगू करता, तो इसलिए हम इसकी दुकान पर ज़्यादा जो है ना वो ख़रीदो फरोख्त का ये मामला तय करते हैं। तो आए देखें कि ये जो तीसरा मरहला है अखलाक के लिहाज से, तो अल्लाह करीम ने इस लिहाज से भी, इस तकाज़े से भी सबसे ज्यादा अखलाक की दौलत हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। बल्कि यहां तक है कि आपकी बारगाह में अगर कोई दुश्मन भी बैठता तो मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो समझता कि सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मुझे ही दी जा रही, यानी जो बैठता वो अपने आप को इतना वो इज़्ज़तदार समझता कि मुझे तो शायद मुझे ही यहाँ से इज़्ज़त मिली है। तो जो बैठता अल्लाह के महबूब उसे अपने अखलाक़े करीमा से इतना नवाजते कि वो आपका गर्विदा हो जाता, आपकी मोहब्बतों में गिरफ़्तार हो जाता। तो मुझे और आपको चाहिए कि ये जो तीन तकाजे मैंने आपके सामने रखे हैं, जो फितरतन हमारे जहनों में, हमारे दिलों में मौजूद हैं, कि हुस्न के लिहाज से, मालो दौलत के लिहाज से और अखलाक के लिहाज से, तीनों तकाजों से अगर देखा जाए तो टॉप ऑफ दी लिस्ट जिस शख्सियत का नाम आता है वो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। और अगर इसको आला हजरत की ज़ुबानी तर्जुमा कर दूँ तो फिर ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कासिम भाई आप जब हुजूर अलैहिस्सलाम की अता की बात कर रहे थे ना, तो इमाम अहले सुन्नत का ही शेर मेरे जहन में आ रहा था कि ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, क्योंकि तज़करा खैरुल अनाम हो तो फिर आशिक
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین گزرے ہیں. شاعری کی صورت کے اندر بھی انہوں نے کلام کیا, نظم کی صورت کے اندر ہو, نثر کی صورت کے اندر ہو, تو اس نیت سے ان کا بھی تذکرہ کر لینا چاہیے کہ جن کے فیضان سے یہ محبت ہمیں نصیب ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہماری محبتوں کو مزید دوام عطا فرمائے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ماشاء اللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے تقاضوں سے ہمیں آگاہ فرما رہے تھے صاحبزادہ محمد قاسم نقشبندی صاحب. کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ سرے عرش بلا رہتا ہے. ہم فقیروں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. جس محبوب کے جلووں میں خدا چھپا رہتا ہے اسی محبوب کا تذکرہ خیر کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا حافظ محمد عمر شہزاد صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. جزاک اللہ. تمام حاضرین سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوری عالم اسلام پہ آج کے اس مبارک دن کے صدقے میں اپنا خصوصی فضل کرم فرمائے. اور یہ جو وبا خصوصاً جس کی وجہ سے تمام عالم اسلام اور بلکہ پوری دنیا لپیٹ میں آئی ہوئی ہے, اللہ اپنے فضل سے اور اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے. نعت پاک پڑھنے سے پہلے درود پاک نذرانہ بآواز القرآن آپ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک کیونکہ پرانی نعت ہے لیکن شروع معروف نعت ہے, اس کا پیش کرنے کی سارا آسان کروں گا. دو جہاں محمد کے دو جہاں محمد کے ہے خدا محمد کا رنج و غم کے ماروں کو رنج و غم کے ماروں کو آسرا ذکر ہے زمینوں پر ذکر آسمانوں پر ذکر ہے زمینوں پر ذکر آسمانوں پر جا بجا ہے قرآن جا بجا ہے Okay.
मेरा दिल मदीना है, मेरी जान मदीना है, मेरा दिल मदीना है, मेरी जान मदीना है, मिल गया मदीने में, मिल गया मदीने में, दर खुला मोहम्मद का, दो जहां मोहम्मद के, दो जहां मोहम्मद के, अब्बास हो के कासिम हो, या हुसैन अकबर हो, अब्बास हो के कासिम हो, या हुसैन अकबर हो, मुर्तजा के बेटों में, मुर्तजा के बेटों में होश मोहम्मद का, दो जहां मोहम्मद के, दो जहां मोहम्मद के, क्यों लाऊं दुनिया को अब सलीम खातिर में, क्यों लाऊं दुनिया को अब सलीम खातिर में, मैं सगे दरे जहरा, मैं सगे दरे जहरा, मुर्तदा मोहम्मद का, दो जहां मोहम्मद के, दो जहां मोहम्मद के, है खुदा मोहम्मद का रंजो गम के मारो को आसरा मोहम्मद का। माशाल्लाह हाफिज़ उमर शहज़ाद साहिब अकीदतों मोहब्बतों के फूल छावा फरमा रहे थे। आज ईद की खुशियां हैं तो खुशी में हमने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को नहीं भुलाना है, जो मैसेज हमें हमारे नबी ने दिया है उसे भी हमने साथ साथ जो है ना पूरा करना है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, साहबा सामने बैठे थे, एक शख्स आया, आके अर्ज़ करता है हुजूर मेरा बेटा गुम हो गया है, मैं उसे तलाश करने के लिए निकला हूँ, दुआ फरमाइए मिल जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए थे कि एक शख्स उसी मजमे से खड़ा हुआ और अर्ज़ करता है कि हुजूर इसके बेटे को मैंने फ़लाँ मैदान में बाग में खेलते हुए देखा है। वो शख्स फ़ौरन उन्हीं कदमों से वापस पलटा और बाग की जानिब दौड़ लगा दी। हुजूर ने फरमाया कि इसे वापस बुलाओ। अब उसे वापस बुलाया गया तो अर्ज़ करता है कि हुजूर मेरा बेटा 3 दिन से गुम हुआ हुआ है, उसकी माँ घर में अलग परेशान है, पता नहीं उसने कुछ खाया है नहीं खाया है, आप जल्दी इजाज़त अनायत फरमाएं ताकि मैं अपने बेटे से मिल सकूँ। हुजूर ने फरमाया ठीक है, तुम्हारा बेटा 3 दिन से गुम हुआ हुआ है, तुम्हारी मोहब्बत उरूज पर है, तुम जाओ ज़रूर बेटे से मिलो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जब वहाँ पर मैदान में बाग में जाके अपने बेटे से मिलोगे तो उसे बेटा कह के नहीं बुलाना है, बल्कि जो उसका नाम रखा है उस नाम से पुकारना है। अर्ज़ करता है हुजूर मेरा बेटा है 3 दिन से बिछड़ा हुआ हूँ, अगर बेटा कह के बुला लेता हूँ तो हर्ज भी क्या है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा बेटा है 3 दिन से तुम बिछड़े हुए हो, तुम्हारे अंदर मोहब्बत और प्यार का एक समंदर जो है रवा है और जोश और जज्बा जो है वो एक उरूज पर है, जब तुम जाकर वहाँ पर अपने बेटे को बेटा कह के बुलाओगे तो हो सकता है उन खेलने वाले बच्चों में कोई यतीम बच्चा हो और उसके दिल पर ये ताज़ियाना लगे, ये चोट लगे कि काश आज मेरा बाप भी होता तो मुझे बेटा कह के बुलाता।
तो मैं ये भी गवारा नहीं करता कि किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बेटे को बेटा कह के पुकारा जाए। तो ईद की खुशियों में मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी से हम मोहब्बत का दम भरते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद गाह की जानिब जाते हुए एक यतीम बच्चे को जब रोते हुए देखते हैं तो उसे वापस लेकर जाते हैं। कितने सहाबा हुजूर का इंतज़ार कर रहे हैं ईदगाह में कि आप तशरीफ़ लाएँ तो आपकी इब्तिदा में नमाज ईद अदा करें। लोग हुजूम आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप एक यतीम बच्चे को लेके घर जाते हैं, उसे तैयार करते हैं, खुशबू लगाते हैं और फिर मस्जिद में लेके आते हैं। और हम ईद की खुशियों में सिर्फ अपने आप की तरफ ही तवज्जो देते हैं, लेकिन हमारी गली में बेवा और यतीम लोग जो होते हैं वो इन खुशियों से महरूम होते हैं। हम सारी ज़िंदगी जो है ना गोश्त की लजीज खानों से अपनी ज़िंदगी में जो है ना अपनी ज़िंदगी को रास्ता करते रहते हैं और अपनी जान का अपनी जिस्म का हिस्सा बनाते रहते हैं, लेकिन जो लोग पूरा साल इस उम्मीद पे गुजार देते हैं कि ईद कुर्बान आएगी तो हम भी जो है ना गोश्त से कुछ हिस्सा लेंगे और उसकी लज्जत से जो है ना अपने जिस्म को और अपनी रूह को सुकून दे सकेंगे, तो वो लोग जो पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि ईद उल अज़हा पे लोग गोश्त देने के लिए आएंगे, वो इस दिन भी महरूम रह जाते हैं इस वजह से क्योंकि हमें लोगों के हुकूक का पता नहीं होता है। हम जो शख्स हमारे घर में गोश्त देने आता है, हम मुतबादिल उसके बदले में उसी के घर में गोश्त भिजवा देते हैं, लेकिन हकीकत में जिन लोगों का हक है, जिसके लिए ये कुर्बानियाँ की जाती हैं, तो वो महरूम रह जाते हैं। तो हकूक़ के हवाले से मैं मुफ्ती हबीब सुल्तान साहिब से गुजारिश करूंगा कि वह हमारे नाज़रीन को ये मैसेज और पैगाम दे दें कि जो है ना गरीब और यतीम लोगों का और हमारे मुआशरे में जो लोग इस चीज़ से महरूम हैं उनका जो हक है वो हमने किस तरह अदा करना है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा। जी मुश्तबा भाई, माशाल्लाह आपने ये बहुत अच्छे अंदाज में किया है, क्योंकि जहाँ तज़किरा खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जा रही है, हुज़ूर का ज़िक्र खैर है, तो तज़किरा तो तभी मुकम्मल होता है कि जब उनकी तालीमात को अपनाया जाए या अपनाने की अपनी इस्तेआत के मुताबिक कोशिश की जाए। तो ये मैं आखिर में गोया कि ईद के दिन का एक पैगाम दे रहा हूँ कि आज का दिन जहाँ हकुल्ला की सूरत में हमने ईद अदा की, कुर्बानी अदा की, वहाँ कुछ ना कुछ हुकूकुल इबाद का भी ताल्लुक है, जिनमें से इब्तदाई तौर पर बंदे पर सबसे पहले वालिदैन के हुकूक हैं, जिनकी ख़ास तौर पर ताकीद भी की गई है। उसके बाद बंदे को अपने कुर्ब जवार के अंदर जो पड़ोसी हैं उनके हुकूक का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें ख़बर भी नहीं होती हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हत्ता कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन अलैहि सलातो व तस्लीम ने मुझे इतनी पड़ोसी के हुकूक के मुतलिक ताकीद की कि मुझे यूँ लगा कि गोया के पड़ोसी को हक़ विरासत मिल जाएगा। इन इतने हुकूक हुए कि जिस तरह ख़ानदान वाले विरासत में शरीक होते हैं शायद पड़ोसी भी शरीक हो जाएगा, इतनी ताकीद। और हमारे यहाँ यूँ होता है कि हम खुद खा रहे होते हैं, पड़ोस वाले भूख में होते हैं, वही आप वाली बात कि क्योंकि उनके घर से कुछ आया नहीं होता, तो हमें यह होता है कि जब आया नहीं तो अब इनको देना या इनकी ईद की खुशियों में शरीक होना, बल्कि बाज़ औक़ात यूँ होता है ईद मुबारक भी उनको नहीं करते, बहुत कुछ इलाका घूम आते हैं उनको नहीं करते, क्योंकि वो हमारे स्टेटस आजकल जो मेन मसला है ना, हमारा स्टेटस है अब हमारे वो लायक नहीं है, तो इसलिए हम जाते भी नहीं हैं। तो सबसे पहला उनका, फिर आयज़ा व अकरबा सिला रहमी, नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीर फरामीन है इस मौजू पर। मैं एक अर्ज़ करता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो चाहता है कि उसके रिज़्क़ में फराखी हो और उम्र में बरकत हो तो उसे चाहिए सिला रहमी करें। तो ये जितने भी आज ख्वाहिशमंद हमें सुन रहे हैं कि रिज़्क़ की परेशानियाँ हैं, हमारे रिज़्क़ की तंगियाँ हैं, वो आजमाइशें दूर हो जाए, उम्र में बरकतें नहीं हैं, तो वो इस बात पर गौर कर लें कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कहाँ और हमारा ये अंदाज़ कहाँ। फिर आप जिस तरह फरमा रहे थे कि यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, बेवाओं के लिए भी हुकूक हैं, उनके भी ख्याल किया जाए, तो यतीम की तो जो कफालत है करने वाले के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो फरमाया कि वो मेरे साथ यूँ रहेगा जन्नत के अंदर, यानी दोनों उंगलियाँ मिलाकर फरमाया। और बेवा और मिस्कीन के मुतालिक क्योंकि मुख्तसरन पैगाम देना है तो मैं एक ही रिवायत यहाँ पर भी अर्ज़ करता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शायद फरमाया कि जो बेवाओं और मिस्कीनों की निगहदाश्त करता है उसे जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का अजर मिलता है। कितनी प्यारी बात है, हम मतलब अगर जिहाद के तलबगार हैं ना तो करीब के अंदर हमें ये मौका मुयसर होता है, हम उतर मुतमन्नी होते हैं तो हमें जो करीब करीब नेकियां हैं
عید کا دن جہاں ہم نے اپنی خوشیوں میں لگانا ہے وہاں حق اللہ تو ہم نے ادا کر ہی دیا ہوتا ہے۔ حقوق العباد کے معاملے کے اندر بھی یہ ضروری خیال کیا جائے، حقوق عامہ کے متعلق بھی، مطلب اپنا جو کچرا ہے، غلاظت ہے، وہ لوگوں کے گھروں کے آگے ڈال دینا یا جہاں آبادی ہو، یہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ حق تلف کیا جاتا ہے۔ حقوق عامہ پر عام طور پر بہت سارے معاملات میں ہماری توجہ نہیں ہوتی، جبکہ یہ بہت اہم ترین چیز ہے کہ ہمیں تو ان کے ہر لحاظ سے، راستے پر کچرا ڈالیں گے تو راستے کے حقوق پامال ہو جائیں گے، کسی کے گھر کے اندر یا آبادی کے قریب ڈالیں گے۔ تو یہ بھی ایک پیغام میں جو ہے اس پروگرام کی وساطت سے جو ہے نا دے رہا ہوں کہ عید کے دن اپنی قربانی کریں، اچھی بات ہے، لیکن کچرا وہاں نہ ڈالیں جہاں لوگوں کو تنگی ہوتی ہو، گھن محسوس کرتے ہوں۔ حقوق عامہ کا خیال بھی لازمی طور پر کریں۔ اللہ کریم عز و جل ہمیں جہاں یہ خوشیاں عید کی نصیب فرمائیں، تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا شریعت کی پاسداری بھی نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمیں عزیز و اقربا اور قریب لوگوں کے حقوق کے حوالے سے اور حقوق عامہ کے حوالے سے آگاہ فرما رہے تھے مفتی حبیب سلطان صاحب۔ تو عید والے دن اور ویسے بھی ہمارے ماحول کا، معاشرے کا ایک یہ ٹرینڈ بن چکا ہے اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ نمائش کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اگر 20,000 کا بکرا ہے اور وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہے نا یہ 40,000 کا ملے گا تو ہم خوشی سے لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہو کہ یہ 20,000 کا ہے، وہ صرف اس لیے کہ نمائش ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں 40,000 والا جانور لے کے آیا ہوں۔ تو نمائش کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ پیغام دیا کہ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنے دیا، یتیم کی جو ہے نا عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے۔ اور دوسری جانب ہمارے بچے جب عید والے دن کپڑے ڈالتے ہیں یا ہم ان کے لیے کھلونے لے کے آتے ہیں یا کوئی بھی چیز لے کے آتے ہیں، تو ہم انہیں اسپیشلسٹ باہر گلی میں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہمارے بچوں نے اتنے خوبصورت کپڑے پہنے ہیں، ہم نے اتنے بہترین کھلونے لے کے دیے۔ ہم یہ نہیں سوچتے، یہ خیال نہیں کرتے کہ جب ہمارے بچے باہر جائیں گے تو باہر کوئی ایسا شخص، کسی ایسے شخص کا بیٹا اور بچے بھی کھیل رہے ہوں گے کہ جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا کھانا نہیں۔ وہ جب بچے جا کے اپنے باپ سے ضد کریں گے کہ بابا ہم نے بھی یہ کھلونے لینے ہیں یا ہمیں بھی یہ چیز لے کے دی جائے، تو بتاؤ اس باپ پہ کیا گزرے گی اور وہ کتنی ساری مشکلات سے جو ہے نا پہلے گھرا ہوا ہے اور بہت زیادہ مشکلات کا سبب ہم بن رہے ہیں۔ ہم اختتام کی جانب چلتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ خوش ہوں گے، آپ نے قربانیاں کی ہیں، گوشت تقسیم کیے ہیں، لیکن اس میں ایک المیہ یہ ہے کہ جب ہم ایک گائے میں یا بڑے جانور میں 7 بندے شامل ہوتے ہیں تو ہم پتیاں ڈالتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اکثر اوقات دیکھا ہے کہ قربانی کے موقع پہ ایک جانور میں جو 6 یا 7 بندے شامل ہوتے ہیں وہ ان کی آپس میں ناراضگی ہوتی ہے، یعنی ایک کہتا ہے میرا گوشت الگ کر دیں، دوسرا کہتا ہے میرا الگ کر دیں، تیسرا۔ تو کیا قربانی کے مقصد کو ہم پہنچاتے ہیں کہ جو ہم جانور میں ہم نے پتیاں ڈالیں، پیسے ڈالے، ہمارے پیسے تو اکٹھے ہو گئے ہیں، ہم اسے ایک جانور میں قربانی کے لحاظ سے بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا آپس میں اتفاق ہی نہیں ہے، ہماری آپس میں ناراضگی ہیں۔ تو اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج تو ویسے ہم عید کی شام گزار رہے ہیں، گوشت تو ویسے تقسیم ہو گیا، قربانیاں کر دی ہیں، لیکن ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ جتنے ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے چاہنے والے ہمارے سے کسی بھی وجہ سے ناراض ہیں، تو آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے پیغام لیتے ہوئے خود سے جائیں ان کے پاس اور اپنے ہاتھ کھلے کر کے یہ عرض کریں کہ ساری غلطیاں ہماری ہیں، اگرچہ آپ کی نہیں ہیں لیکن پھر بھی کہیں کہ غلطیاں ہماری ہیں اور ہم آپ کے دروازے پہ آ گئے، ہمارے یہ بازو آپ کے لیے کھلے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم نے آپ کو معاف کیا ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دسترخوان پہ بیٹھیں اور کھانے کے موقع پہ سنتوں کا لحاظ رکھیں، یا ہم لباس پہنیں تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ سنت کے مطابق ہے، یا ہم جب اپنے چہرے کو سنواریں تو یہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، بلکہ دیگر جو شعبہائے زندگی ہیں ان میں بھی ہمیں اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کس طریقے سے فرمائی اور پھر گوشت کس طریقے سے تقسیم فرمایا،
गरीबों, मिसकीनों, यतीमों से किस तरीके के साथ मोहब्बत से पेश आएँ। आज तो यूँ होता है, वो बल्कि मुझे एक बात याद आ रही है कि हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स पहुंचा और वो सवाल करता है कि ईद का चांद नज़र आ गया, तो आपने कोई तवज्जो नहीं दी। दूसरी बार फिर यही सवाल किया कि ईद का चांद नज़र आ गया, आपने फिर भी कोई तवज्जो नहीं दी। तो तीसरी दफ़ा वही शख्स कहता है कि बाबा जी बताना है तो बताएं, नहीं तो हम फिर वापस जाएं कि ईद का चांद नज़र आ गया या नहीं। तो आपने अपना सर उठाया और देखा उनकी तरफ, तो कहा कि किस चीज़ को आप ईद समझते हैं कि जब दो भाई आपस में मुलाकात ना कर सकें तुम उसे ईद समझते हो, जब बाप अपने बेटे से मुलाकात ना कर सके, गले ना मिल सके तुम उसे ईद कहते हो, जब माँ और बेटा आपस में इकट्ठे ना बैठ सके तुम उसे ईद कहते हो, जब रिश्तेदार आपस में बिखरे हुए हैं इधर तो हमने मस्जिद में नमाज पढ़ी, नमाज ईद अदा की है और बाहर निकले हैं तो बाप इस तरफ जा रहा है बेटा इस तरफ, तो क्या इसे ईद कहते हो। तो आपने फरमाया कि अगर फरीद से पूछते हो कि ईद कौन सी होती है, तो आपने फरमाया कि अगर रोज़ाना सारे ख़ानदान वाले एक दस्तरखान पे बैठ के इकट्ठे खाना खा लेते हैं तो फरीद के नज़दीक रोज़ ईद होती है। मतलब ये है कि आपस में इत्तेफाक होना चाहिए, ये हमें नाराज़गियाँ और ये जो माहौल बना हुआ है हमारे माशरे में कि फ़लाँ ने गोश्त नहीं भेजा तो हमारा जीना मरना उनके साथ ख़त्म हो गया, फ़लाँ ने सलाम नहीं किया तो आइंदा के लिए हम उनके साथ बुलाएंगे नहीं, फ़लाँ ने जो है ना वो बैठक हमारे घर के सामने बना दी तो हम आइंदा के लिए बस इनके साथ मामला ख़त्म। तो इस ईद के मौके पर ये मैं अपने इन इस पूरी टीम के जानिब से और इनके तवस्सुल से ये पैगाम देना चाहूँगा कि आज ही, यानी कुर्बानियाँ तो आपने कर ली हैं लेकिन अगर कोई किसी के साथ नाराज़ है तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए उनसे माफ़ियाँ मांग के उनके साथ सुलह करें ताकि इस दुनिया में भी हमारे लिए सुकून हो और आखरत में भी अल्लाह करीम हमारी बख्शिश और मगफरत का सबब बनाए। मैं बारे दिगर अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखसूस हाफिज़ बरादरान, इस्लामिक स्टूडियो और अनमोल मूवीज़, और बिलखसूस हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथ शामिल हैं मलक खालिद बशीर साहब, जिनकी काविश से आज हम इकट्ठे भी बैठे हैं और ये ईद की खुशियों में आप तक पैगाम भी पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में भी और इनके बाकी मामलात में भी खैर और बरकत नसीब फरमाए। दुआ की जानिब चलते हैं, मैं गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हबीब सुल्तान अलमदनी अतारी साहब से कि आप दुआ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा ग़फिर वरहम अंत खैरुर रहीमीन अल्लाहुम्मा रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या इलाहल आलमीन, हमने जो कोई तेरा तेरे प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर किया, या अल्लाह इस तमाम को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा। या इलाहल आलमीन, ज़िक्र खैर की बरकत से हमारी, हमारे वालदैन, घर वालों, असातज़ा, पीर मुर्शिद और तमाम उम्मत मुसलिमा की बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमा। या इलाहल आलमीन, ख़ुसूसन बिलखसूस हमारे हाफिज़ बिरादरान जिनकी वसात से ये एहतमाम हुआ, मौला इनके दादा जान और दादी जान की बिला हिसाब व किताब बख्शिश फ़रमा। मौला करीम अज़्ज़ा व जल उनकी कबर को जन्नत के बाग़ात में तब्दील फ़रमा। या इलाहल आलमीन, हम सबको ईद की खुशियों के अंदर अपनी इताअत फरमाने की तौफीक अता फरमा। या इलाहल आलमीन, आज के दिन जिन्होंने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा किया, कुर्बानियाँ की, या जो कल के दिन करेंगे, मौला जितने भी कुर्बानियाँ करने वाले हैं तमाम की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मौला करीम अज़्ज़ा व जल, जो तेरी इबादत का ज़ौक़ और शौक़ रखते थे लेकिन असबाब ना होने की वजह से नहीं कर सके, उनको उनकी इखलास भरी नीयत पर अजर अता फरमा। या अल्लाह, तमाम बीमारों को शिफाए कुली अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। या इलाहल आलमीन, दुख दर्द के मारों के दुख दूर फरमा। मौला, जिनको इस साल हज नसीब हुआ है उनका हज करना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जो किसी वजह से भी हज पर नहीं जा सके और जाने के एहतमाम भी रखते थे, नियत भी खलूस थी, मौला उनकी खलूस नियत पर उनको अजर अता फरमा। या अल्लाह, हमें दीन पर इस्तेकामत अता फरमा, हर मामले के अंदर अपनी रज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, खुसूसन बिलखसूस हमारे जो खालिद बशीर साहब हैं, मौला इनको शिफाए कामिल आजला अता फरमा, हर किस्म की आजमाइशों से, ज़मीनी और आसमानी बलाओं से हम सबको आफियत अता फरमा।
मौला पुरफितन दौर के अंदर हम आफ़ियत के तलबगार हैं, आफ़ियत अता करते हुए ईमान पर इस्तेकामत अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिक व तहव्वुल आफ़ियतिक व फुजात निकमतिक व जमी सख़तिक। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सैयदना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व सहाबी अजमईन बिरहमतिक या अरहम।